नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये फॉल्स है. 23.69 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज एज 24. नियरेस्ट होल नंबर होता है पॉइंट से पहले वाला नंबर. अब 6 जो है 5 से ऊपर वाले जितने भी नंबर होते हैं जब वो खत्म होते हैं तो प्लस 1 कर देते हैं अगले वाले नंबर में. अब ये 3 है तो इसमें प्लस 1 होगा तो 24 होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है. अब नेक्स्ट आपकी मैचिंग है. नॉट टर्न द पेज. नेक्स्ट पेज पे आपकी मैचिंग. उन्होंने मैचिंग उन्होंने कहा कि रेशनल नंबर से मैच करोगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा आपने उससे मैच करना है. 2/3 आप 2 को 3 पे डिवाइड करोगे, आंसर देखो क्या होगा. मैं 2 को 3 पे डिवाइड करती तो मेरे पास आता है 0.66, तो मैंने इससे मैच कर देना सी से. फिर दूसरे का आंसर 0.655 है तो मैंने इससे मैच किया. आपने इसको डिवाइड करना और इनके आंसर जो है आगे लिखना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में फिर इन द ब्लैंक्स राउंड ऑफ करना. आपने नियरेस्ट वैल्यू तक, 2 डेसिमल प्लेस तक और 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक और फिर आपने 3 डेसिमल प्लेस तक इनको राउंड ऑफ करना है. ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे राउंड ऑफ. अब आपने ये राउंड ऑफ करना है. अब राउंड ऑफ इन्होंने कहा है यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर, नो होल नंबर होता है पॉइंट से पहले वाला नंबर. अब यहाँ पे 1 है. अब 0 से लेकर जब नंबर होते हैं पॉइंट के बाद अगर नंबर 4 तक होते हैं तो प्लस 0 किया जाता है अगले नंबर में. लेकिन जब अगर 5 से बड़े नंबर हो, 5 से लेकर 9 तक, तो हम 5 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं तो हम उसमें प्लस 1 कर देते हैं उससे पहले वाले नंबर में. यहाँ पर नियरेस्ट होल नंबर का मतलब होता है कि पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है उसको नियरेस्ट होल नंबर बोलते हैं. अब ये नंबर खत्म होगा 1, तो 1 इसके अंदर 0 प्लस करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3. 3 + 0 = 3. फिर अब 1 प्लेस तक जब करना है तो यहाँ पर 1 प्लेस है मतलब डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर तक आंसर हो. 1 के बाद 2 है तो 2 खत्म होगा तो 2 भी तो छोटा है 5 से, तो 2 भी 0 प्लस करेगा तो एज इट इज आंसर आएगा 3.1. के बाद 2 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद 2 नंबरों तक, 2 इंचों तक आंसर हो. तो मेरे पास यहाँ पे है 1 2 और इसके बाद 2 1 2 तक मैंने आंसर लिखना है. 7 है तो 7 बड़ा है, तो 7 जब खत्म होगा तो अगले नंबर में प्लस 1 करके जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3.1 और 2 में 1 प्लस किया तो 3. नेक्स्ट है लास्ट है आपका कि उन्होंने यहाँ पे कहा है 3 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है. मेरे पास क्वेश्चन में है 3.127, 7 तक मैंने आंसर लाना है और 6 जो है उसको खत्म करना है. मैं 6 को खत्म करूँगी तो 7 में वो प्लस 1 करके जाएगा. 3.127 में 1 प्लस किया 6 से तो ये बन गया 8 और ये आपका आंसर. आपने ये टेबल जो है वो पूरा बुक पे ही सॉल्व करना है. ठीक है, ये आपने बुक पे ही ऑब्जेक्टिव करनी है, बाकी ब्लैंक्स जो है वो अपने कॉपी पे सारी करनी है. ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़.